हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल कस्टमाइजेशन के बारे में। तो अगर आप कस्टम रोम यूज़ करते हो और उसमें कस्टमाइजेशन करना चाहते हो काफ़ी तगड़ा वाला, तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से दबा देना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी तगड़ा होने वाला है वीडियो, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है आइकॉनिफाई। काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ भी कर रहे होंगे, और जिनको नहीं पता तो वो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। यहाँ पे बहुत सारी आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। क्या क्या देखने को मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर मिलेगा आइकन पैक, यहाँ पे आप बैटरी का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारे यहाँ पे जो है सिग्नल के आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे, एज यू कैन सी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। जो कस्टम रोम में नहीं होते वो भी थोड़े से अलग टाइप में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एज यू कैन सी। अगर मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊँ तो यहाँ पे सिस्टम UI रिबूट होगा मे बी, ठीक है। तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, एज यू कैन सी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सिग्नल जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम जाएंगे बैक, तो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। कौन सा चाहिए आपको, कौन सी आउटलाइन वगैरह चाहिए, सब यहाँ पे जो है सैम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह का कुछ मेरा यहाँ पे ब्राइटनेस का स्लाइडर हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, यहाँ पे जाएंगे बैक, और यहाँ पे QS पैनल में भी काफ़ी सारे टाइल्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। किस तरह का कलर चाहिए आपको, आउटलाइन चाहिए, बॉर्डर चाहिए, क्या चाहिए, वो यहाँ से ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे सिस्टम UI थोड़ा सा जो है एक बार रिबूट होगा, उसके बाद में ये अप्लाई हो जाएगा, यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं बैक। बात करें नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे नोटिफिकेशन के जो शेड है आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि iOS वाला भी है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा थीम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जाएंगे बैक और यहाँ पे जाएंगे प्रोग्रेस बार में, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। सब मतलब एक तरह से सैम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना बैक भी जा सकते हो, ठीक है ना। स्विच भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एज यू कैन सी। यहाँ पे रियलमी वाला भी है, iOS वाला भी है, जैसे भी स्विच आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो, यहाँ से काफ़ी सही यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे टोस्ट फ्रेम की, तो यहाँ पे भी जो टोस्ट मैसेज आते हैं उसके भी आप जो है अलग अलग थीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं बैक, और यहाँ पे जो है आपको आइकन शेप भी यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, एज यू कैन सी। यहाँ पे हार्ट वाला वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, चलते हैं बैक और यहाँ पे जाएंगे ट्विक्स में, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कलर इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, आप मॉनिट इंजन जैसा ही कुछ है यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो। मेरे को तो ये पसंद नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। चलते हैं बैक। UI राउंडनेस भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको राउंड करना है तो राउंड कर सकते हो, काफ़ी सही देखने में लगता है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। बात करें यहाँ पे रो कॉलम भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कितने रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए, ठीक है। चलते बैक, और यहाँ पे जो है आइकन लेबल वगैरह की साइज़ वगैरह आप यहाँ से काफ़ी इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें QS टाइल की साइज़ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम पैनल भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलेंगे मिसलेनियस में, तो यहाँ पे भी आपको नॉच बार किलर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बैक चलते हो, यहाँ पे एक्सपोज मेनू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे LL पोज में जाके इसको जो है अनेबल कर लेना है, ठीक है, कर लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसमें आइकॉनिफाई जाके यहाँ पे अनेबल कर देंगे मॉड्यूल को, ठीक है। और बैक जाएंगे और यहाँ पे फिर से इस मॉड्यूल में जाएंगे हम लोग, तो LL पोज में से अनेबल करने के बाद आपको सिस्टम UI रिबूट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी और ब्लर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। क्विक सेटिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें बैटरी स्टाइल की, तो यहाँ पे बैटरी स्टाइल भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। iOS वगैरह, MIUI वगैरह सब देखने को मिल जाता है, तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो सेट, ठीक है। मेरे को तो ये वाला ही पसंद है, तो मैं ये वाला रखता हूँ। आप iOS वाला भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये जो है अप्लाई हो जाएगा, जो कैन सी, ठीक है।
तो ये सिंपल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलते हैं बैक। वॉल्यूम पैनल में भी आपको अगर परसेंटेज चाहिए तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसके अलावा हेडर इमेज वगैरह सेट कर सकते हो, हेडर क्लॉक भी सेट कर सकते हो, लॉक स्क्रीन क्लॉक वगैरह आप सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, और बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो इस क्लॉक का, तो ये भी काफ़ी सही है। अपने हिसाब से जो है आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल बाकी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर से दबा देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।